तो हेलो मित्रों, कैसे हो? मस्त ना? तो गाइस, मैं आज आपके लिए न्यू और फ्रेश वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी हमारे फ्री फायर में रैंक सीजन एंड हो चुका है, वो आप लोगों को कितने बजे तक खुला हुआ देखने को मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप लोगों का रैंक हीरो एक या तो डायमंड वन है, तो वो रैंक आप लोगों का सीजन 90 के बाद कौन सा हो जाएगा, उससे भी बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो मित्रों, एंड तक जरूरी वॉच करना है इस वीडियो को, ताकि आप लोग भी सारी इन्फॉर्मेशन ले पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर दे एनी टाइम वेस्ट के। और वीडियो शुरू करने के साथ साथ मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो भी बंदे चैनल पे नए हो, गाइस रेड कलर का सब्सक्राइब बटन किसके लिए रखा है? आपके लिए तो रखा है। नीचे जाओ, फटाक से जाओ, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो और बाजू वाला घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो चलो गाइस, यहां पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहां पे आप लोग को पता ही होगा, अभी अभी हमारे फ्री फायर का रैंक सीजन है वो पूरे तरीके से एंड हो चुका है। और गाइस, अगर आप अभी रैंक मैच अपना खेलने जाओगे, तो गाइस यहां पे आप लोगों का रैंक मैच वो ओपन नहीं होगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है कि हमारे फ्री फायर में आप लोगों को जो वुड पैकर गन है वो क्लासिक मोड में अभी देखने को मिल रही है, लेकिन गाइस यहां पे अभी ये जो रैंक सीजन है वो चेंज होने वाला है, तो इसी वजह से गाइस हो सकता है कि जो न्यू वुड पैकर गन आई है वो आप लोगों को रैंक मैच में सीजन 90 के बाद देखने को मिल जाए। ठीक है, क्योंकि गाइस यहां पे पिछली बार हमारे फ्री फायर का सीजन 18 आया था, तब गाइस यहां पे आप लोगों को कलहारी मैप रिमूव किया गया था रैंक मैच में से। ठीक है, तो गाइस हो सकता है कि इस बार आप लोगों को जो वुड पैकर गन है वो रैंक मैच में देखने को मिल जाए। तो चले गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं कि इसकी टाइमिंग क्या होगी, यानी कि हमारा जो रैंक मैच है वो ओपन कब होगा। तो गाइस यहां पे हमारा जो रैंक मैच है वो आप लोग को 2 से 2:30 बजे तक खुला हुआ देखने को मिल जाएगा। और गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों का रैंक हीरोइक या तो डायमंड वन है, तो आप लोगों का सीजन 90 के बाद जो अपना रैंक है वो कौन सा हो जाएगा। तो गाइस यहां पे आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, गाइस यहां पे अगर आप लोगों का रैंक होगा ब्रॉन्ज 1 से 3 के बीच, तो आप लोगों का रैंक हो जाएगा ब्रॉन्ज 1। गाइस अगर आप लोगों का रैंक होगा सिल्वर 1 से 3 के बीच, तो आप लोगों का रैंक हो जाएगा ब्रॉन्ज 2। और गाइस अगर आप लोगों का रैंक होगा गोल्ड 1 से 4 के बीच, तो आप लोगों का सीजन 19 के बाद रैंक हो जाएगा सिल्वर 1। गाइस अगर आप लोगों का रैंक प्लेटिनम 1 से 4 के बीच रहा, तो आप लोगों का रैंक हो जाएगा सीजन 19 के बाद सिल्वर 2। और गाइस यहां पे आप लोगों को पता है, हमारा फ्री फायर के ज्यादातर बंदे होते हैं वो होते हैं डायमंड में। तो गाइस अगर आप लोग भी डायमंड 1 से 4 के बीच में हो, तो आप लोग पहुंचाओगे सीधा गोल्ड 1 पे। और गाइस अगर आप लोगों का रैंक हुआ हीरोइक या तो ग्रैंड मास्टर, तो गाइस आप लोग पहुंच जाओगे गोल्ड 2 में। गाइस ठीक है, तो गाइस रैंक का कुछ सिस्टम इस प्रकार से रहने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होगी। अगर मित्रों आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मित्रों वीडियो को करो एक लाइक, और जो भी बंदे चैनल पे नए हो मित्रों, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाओ और बाजू वाले घंटे को ऑल पे सेट कर दो। ठीक है, तो बाय मित्रों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।